हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारी फिजिक्स में ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी, ऑप्टिक्स में हमने जो हमारी मेन टर्म्स थी वो सब देख ली थी, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किया था, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब ये लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे बनता है, किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगी। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि हम लोग क्या शुरू कर चुके थे, हमारी ऑप्टिक्स, जो कि हमारे फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हम लाइट से होने वाले जितने भी फिनोमिनाज हैं उन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेंस होता क्या है, क्योंकि लेंस फॉर्मूला नाम से ही पता लग रहा है ये एक तरह का फॉर्मूला होगा जो आपका न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए यूज होगा। क्योंकि जो भी फॉर्मूलेज होते हैं उनसे या तो आप उनकी न्यूमेरिकल से वैल्यू निकाल सकते हो या फिर आप उनसे कंसेप्चुअल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस न्यूमेरिकल के लिए जो हमें फॉर्मूला चाहिए, उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेंस आखिर होता क्या है। देखिए, जब मैंने आपको मिरर कराया था, जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कराया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई देता है वो मिरर हमारा एक प्लेन मिरर होता है, कुछ इस तरह का मिरर। मिरर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर होता है, और ये एक साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड होने का मतलब ये साइड बिल्कुल कवर होती है, पॉलिश्ड होती है, और ये वाली जो साइड होती है ये हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, जहाँ पे हम हमारे फेस को या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसको देख पाते हैं। तो ये तो होता है आपका प्लेन मिरर। एक होता है आपके स्फेरिकल मिरर। जब आप किसी एक स्फेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो ये पार्ट्स जो होते हैं आपके कुछ इस तरह से बन जाते हैं। ये दोनों पार्ट अपने आप में अलग अलग क्या बन जाते हैं, मिरर बन जाते हैं। कैसे, अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से क्या कर दूं, पॉलिश्ड कर दूं अंदर वाली साइड से, तो ये जो हमारा मिरर बनता है वो बनता है हमारा कॉनवेक्स मिरर। बताऊंगी कैसे कैसे पता लगेगा ये हमारा क्या होता है, कॉनवेक्स मिरर। अगर मैं इस वाले मिरर की बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दूं तो ये हमारा हो जाता है कॉनकेव मिरर। ये कैसे पता लगेगा आपको कि कॉनकेव कौन सा मिरर है और कॉनवेक्स कौन सा मिरर है? देखिए, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर आपकी, देखिए, अपने हाथ को आप जब कुछ इस तरह से क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, हाफ फोल्ड कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह की शेप दिखाई देगी आपको। जब आप बाहर वाली साइड को एकदम पॉलिश्ड कर देते हैं तो जो लाइट की रेज आएंगी, जो हमारे पास बीम आएगी, वो इस साइड आएगी और रिफ्लेक्टिंग साइड हमारी ये होगी, हमें हमारी इमेज इस साइड दिखाई देगी। तो देखिए, जब हम ऐसे कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे गुफा होती है, गुफा को इंग्लिश में केव बोलते हैं। तो लाइट अंदर की तरफ जाएगी ना, गुफा के अंदर जाएगी ना, और गुफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केव। तो अंदर वाली साइड जब लाइट जाती है, रिफ्लेक्शन शो करती है, तो वो हमारा होता है कॉनकेव। और अगर आप अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दें और लाइट यहाँ ना आए, सिर्फ बाहर के हिस्से पे आए कुछ इस तरह से, तो वो आपका बन जाता है कॉनकेव। तो ये तो बात थी हमारे मिरर्स के बारे में कि हमारा प्लेन मिरर क्या होता है और हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर सिंपल एक प्लेन मिरर होता है जो आपके घरों में भी लगा हुआ है, जिसको आप डेली यूज करते हो। हमें अपनी जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस में दिखाई देता है, मिरर में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप वॉल के सामने खड़े होंगे, दीवार के सामने खड़े होंगे, तो क्या आपको आपका रिफ्लेक्शन शो होगा, इमेज शो होगी? तो आपका आंसर होगा नहीं। रिफ्लेक्शन जो शो करता है वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट करता है, जो प्लेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बात हुई है हमारे क्या, मिरर के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा लेंस की तरफ लेके चलती हूँ। पहले मैंने मिरर इसलिए कराया है क्योंकि जब हम लेंस बनाते हैं तो मिरर की हेल्प से ही बनाएंगे। अगर आपको मैं मिरर नहीं बताती तो आपको लेंस भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, मिरर होते हैं, कॉनकेव कॉनवेक्स आपके समझ में आ गया होगा। सिंपली इस तरह की शेप होती है इनकी।
अगर आप अंदर से क्या कर देते हो, पॉलिश कर देते हो, तो कॉनवेक्स होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप बाहर से पॉलिश कर देते हो, अंदर लाइट आती है, तो वो आपका होता है कॉनकेव। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखिए ध्यान से। जब मैं दो कॉनवेक्स मिरर लूंगी, ध्यान से देखो, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया, और इन दोनों को अंदर से क्या कर दिया, पॉलिश्ड, क्योंकि जो कॉनवेक्स मिरर होता है वो अंदर से क्या होता है, पॉलिश्ड। तो मैंने इसको अंदर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो इसकी अंदर वाली साइड तो लाइट जाएगी ही नहीं, क्योंकि जहां पे आप पॉलिश कर देते हो वहां लाइट नहीं जाती। तो अगर लाइट अंदर नहीं जा रही तो कहां जाएगी, बाहर के साइड। तो बेटा ये जो शेप बन की तैयार हुई है ना आपके पास, इस शेप वाले को बोलते हैं कॉनवेक्स लेंस। ये आपके पास लेंस बन के तैयार हो गया, किसकी हेल्प से बना, कॉनवेक्स मिरर की हेल्प से। अगर आपको कॉनवेक्स बनाना आ गया, मिरर ये होता है जब दो एक और कॉनवेक्स ऐसे रख दोगे इसके साइड में और अंदर से पॉलिश कर दोगे, तो ये क्या बन जाता है, लेंस बन जाता है। ये वही लेंस है जो स्पेक्स में बच्चे यूज करते हैं, जिनके भी आंखों में डिफेक्ट होता है, जिनको दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता, चश्मे लगे होते हैं, उनके चश्मे में जो लेंस होते हैं वो यही लेंस होते हैं। उन्हीं लेंसेस के बारे में आपको यहाँ पे बताना स्टार्ट कर रही हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन के, आप सोचते हैं कि सिर्फ मशीनों से ही पता लगाया जा सकता है कि किसी पर्सन को कितने नंबर का लेंस लगेगा या फिर कितने नंबर की पावर है उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी जनरली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वही आपको जानकारी देने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। तो सिंपली सबसे पहले तो हो गया हमारा क्या, कॉनवेक्स। कॉनवेक्स की शेप आप देख लीजिए, आपको बनानी आनी चाहिए, ये कुछ इस तरह से होती है। बचपन में बहुत दिए बनाए होंगे, दिवाली वाले ऐसे बनाते थे ना, आपको याद हो तो, कुछ इसी तरह से दिए बनाते थे ऐसे करके, ये दिवाली का दिया बन जाता था, फिर ऐसे ऐसे, याद है। मजाक कर रही हूँ, हमारे जो हम लेंस बना रहे हैं यहाँ पे, आप उस पर फोकस कीजिए। हमारी जो बाहर वाली साइड है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, अंदर वाली साइड जो होगी वो पॉलिश्ड होगी। तो ये आपका क्या हो जाता है, कॉनवेक्स। अब बात करते हैं कॉनकेव की। देखिए कॉनकेव कैसे होता है, कॉनकेव पे जरा एक बार आप ध्यान दे के देखिए। कॉनकेव कुछ इस तरह का होता है ना, मान लीजिए कि मेरे पास ये कॉनकेव है और इसको अंदर इस वाली साइड से क्या कर दिया, पॉलिश। तो मैं ऐसा एक और ले लूं और इसको भी बाहर से क्या कर दूं, पॉलिश। क्योंकि कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में जो अंदर वाली साइड होती है आपकी, वो अंदर वाली साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, लाइट कहाँ जाती है, अंदर की तरफ। तो हमें कॉनकेव में बाहर की तरफ क्या करना पड़ता है, पॉलिश्ड करना पड़ता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पॉलिश्ड। और मैंने आपको क्या कहा था कि आपको लेंस बनाने के लिए दो कॉनवेक्स और दो कॉनकेव की जरूरत है। ऐसे ही मैंने जब कॉनवेक्स बनाया था तो मैंने दो कॉनवेक्स को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट। ऐसे ही मुझे यहाँ पे कॉनकेव बनाना है तो मैंने फर्स्ट कॉनकेव लिया, सेकंड लिया, और दोनों को आपस में क्या कर दूंगी, कनेक्ट। तो ये जो आपके पास लेंस बन के निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ये होते हैं आपके कॉनकेव और कॉनवेक्स लेंस। बनाना भी सिखा दिया है, कैसा होता है, देखने में कैसे होता है, पता कैसे लगेगा कि आप इसका कैसे कैसे मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग होती है और कौन से साइड इसकी पॉलिश्ड होती है, वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो दोनों साइड्स आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपके मिरर्स होते हैं कॉनकेव और कॉनवेक्स, ये आपके लेंस होते हैं कॉनकेव और कॉनवेक्स। अब एक बात देखिए जो हमें फॉर्मूला यूज करने के लिए चाहिए। अब चलिए मैं जो इमेजिन करके चलूंगी वो मैं कॉनवेक्स को करके चलूंगी। मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एक कॉनवेक्स लेंस है, मुझे उसके लिए क्या निकालना है, लेंस फॉर्मूला। तो मैं अब आपको यहाँ पे लेंस फॉर्मूला बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, लेंस फॉर्मूला कैसे करना है, मतलब लेंस फॉर्मूला कैसे निकल के आया वो देखो। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन द लेंस फॉर्मूला। दिस इज द रिलेशन बिटवीन distance of the image
एंड फोकल लेंथ। अभी ये सब मैं बताऊंगी आपको ये सारी की सारी चीजें क्या हैं। तो सबसे पहले बात तो आपको ये पता लग गई कि जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता क्या है। लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन, या फिर आप लिख सकते हैं लेंस फॉर्मूला गिव द रिलेशन बिटवीन, कैसे भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी है। सो लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ। इन सबके बीच का जो रिलेशन होता है वही हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है वो बता देती हूँ। लेंस फॉर्मूला होता है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर, ये आपको सेम टू सेम ऐसे लिखना है। अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता रही हूँ, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए वो डू यू मीन बाय लेंस फॉर्मूला, तो आपको ऐसे ही बताना है। और हमेशा जो मैं एक बात बोलती हूँ, फॉर्मूला को हमेशा एक बॉक्स में बंद करके आइए, ताकि वो देखने में बहुत ज्यादा क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे, टीचर को लगना चाहिए बच्चे को पता है इंपॉर्टेंट चीजों को कैसे इंडिकेट करना है। ये चीजें हम कुछ इसलिए भी करते हैं ताकि मान लीजिए टीचर के नजर में नहीं आई वो लाइन जो आपकी मेन लाइन थी, तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं या फिर उसको बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। उससे क्या होता है टीचर का सबसे पहले ध्यान उसी तरफ जाता है। तो टीचर को अपनी इंपॉर्टेंट बात समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पे अंडरलाइन कर देते हैं या फिर उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो हम कहां थे, हमने कहा कि हमारा जो लेंस फॉर्मूला होता है वो रिलेशन बिटवीन होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के, इमेज की डिस्टेंस के और फोकल लेंथ के। ये आपका फॉर्मूला होता है, कौन सा लेंस फॉर्मूला, 1/b 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आप बताएंगे वेयर वी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। बता दूं ये डिस्टेंस कहां होती है, फ्रॉम द लेंस, बताऊंगी अभी कैसे कैसे होती है। u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस। एंड f इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये लेंस की क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। अब इसको समझो कैसे कैसे इन चीजों को मतलब बताया गया है, क्या आपसे करवाया गया है। मैंने आपसे कहा कि मान लो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जो अंदर के साइड से क्या है, पॉलिश्ड है, इसके बाहर वाली साइड क्या आएगी, लाइट आएगी। तो सिंपल सी बात है, बाहर वाली साइड आपकी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड साइड। तो बेटा क्या होता है, मान लीजिए कि हमने चश्मा, मैंने यहाँ चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है, उस चश्मे में लेंस है। अब जब वो लेंस है तो उसके सामने, मेरी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा इस साइड रखा जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो ये जो मेरे पास लेंस होता है, चाहे लेंस ले लो चाहे मिरर ले लो, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है फोकल लेंथ और एक होता है हमारा सेंटर। याद रखना लेंस के लिए दो फोकल लेंथ होते हैं, दो ही क्या होते हैं हमारे सेंटर, इसको F1C1 इसको F2C2, जो मन करे वो रख लो। तो मैंने क्या कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, भाई मैंने चश्मा लगाया हुआ है, मेरी आंखों के सामने कोई चीज रखी हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ मेरे लिए। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा यहां से और लेंस तक की जो दूरी होगी वो होगा आपका u, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। लेंस से जहां तक ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट की दूरी। मान लीजिए चश्मे में, मतलब आपका चश्मा जो आपको इमेज बना रहा है वो बना रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि दूसरी साइड बनता है लेंस में जो इमेज बनती है वो दूसरी साइड बनता है, जबकि मिरर में अगर आप इमेज बनाओगे तो उसी साइड बनती है। कैसे, जब आप शीशे में देखते हो तो हमारी साइड ही देख रहा होता है ना शीशा, मतलब शीशा नहीं देख रहा होता, हमारी जो परछाई है जब हम मिरर में देख रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं, तो वो जो उसमें पर्सन खड़ा है वो हमें ही देख रहा होता है, हमारी साइड ही उसकी इमेज बन रही होती है। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता, लेंस में आर पार हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, दैट्स मीन लेंस से यहां तक की दूरी आपकी होती है v, ठीक है। और फोकल लेंथ तो मैंने आपको बता ही दिया, ये इसकी क्या होती है, फोकल लेंथ यानी कि दूरी। अब कई बार क्या होता है, ये चीज मैं आपको नोटिस करा देती हूँ, क्वेश्चन आएगा तब क्वेश्चन भी कराऊंगी, कि कई बार क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ नहीं दी होती, या आपने नोट डाउन कर लिया, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे अभी आपको बतानी है। कर लिया नोट डाउन करें,
आपको ये पता लग गया आपके डिस्टेंस कहाँ किसकी क्या क्या है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, और आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब इस चीज को जरा देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है इस पर, या तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय लेंस फॉर्मूला, या फिर आपसे क्या कहा जाएगा, आपसे बोला जाएगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि आपको ना कोई भी तीन चीज, आपको देखिए यहाँ पे कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 1 2 3, 3 फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी आपको दे देंगे और थर्ड वाली पूछ लेंगे। तो अगर मैं आपको यू दे दूं, मैंने कहा कि यू आपका 20 है, फोकल लेंथ आपका 15 है, तो वी निकालो, आप निकाल दोगे, यू को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में आपको एफ नहीं दिया जाता, क्वेश्चन में आपको दी जाती है रेडियस आर। तो आर और रेडियस के, रेडियस जो होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है क्या, कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की क्या होती है, डबल। या तो ऐसे लिख लो या लिख लो कि आर बाई टू आपका क्या होता है, फोकल लेंथ एफ। क्वेश्चन ऐसे ही बहुत बार आएंगे ऐसे कि आपको डायरेक्ट एफ नहीं दिया जाएगा, फोकल लेंथ नहीं दी जाएगी, आपको क्या करना है, आपको ये रिलेशन, यानी कि कहने का सिंपली क्या मीनिंग है कि ये भी आपका एक तरह का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला करा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में, कभी आप ये कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पे फोकल लेंथ हमें गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है। तो आपको याद करना है कि फोकल लेंथ का जो एक रिलेशन होता है रेडियस के साथ भी होता है। अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस दी जाए कितनी, 14, तो आप सिंपली फोकल लेंथ निकाल सकते हो 14/2 करके, ये आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो भाई ये था हमारा लेंस फॉर्मूला, बहुत आसान है, इससे डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, आपको कोई भी 2 वैल्यूज दे दी जाएंगी और थर्ड वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये है आपका लेंस फॉर्मूला। अब हम करने वाले हैं क्या, पावर ऑफ अ लेंस, वो भी हमारा क्या होता है, फॉर्मूला ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारा पावर ऑफ लेंस। चलिए अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं पावर ऑफ लेंस होता क्या है, इतना हमें क्यों जानना जरूरी है पावर के बारे में। जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी किसी भी पर्सन की आई डिफेक्ट हो जाती है, किसी की आंखें कमजोर हो जाती हैं, या तो उसको पास का दिखना बंद हो जाता है या उसको दूर का दिखना बंद हो जाता है। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे को दूर से देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के बोर्ड यहाँ लगा हुआ है और कोई एक छोटा बच्चा रूम में, मतलब क्लासरूम में सबसे लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, उसको देखने में क्या हो रहा है, उसको बोर्ड पे लिखा हुआ कोई भी वर्ड दिखाई नहीं दे रहा, उसके समझ में नहीं आ रहा, बहुत फेड फेड दिखाई दे रहा है। तो वो बच्चा कंसल्ट करता है टीचर के साथ, मैम मुझे बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैम क्या करती है, मैम कहती है कि आपकी जो आई है वो आपकी वीक है, आप एक काम करो, आप पीछे वाली बेंच से उठ के आगे वाली बेंच पे आकर बैठ जाओ। जब वो बच्चा आगे वाली बेंच पे आके बैठता है तो उसको साफ साफ सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक बात बताइए आप मुझे कि जब हमारी किसी भी चीज की पावर नेगेटिव वे में इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। आई थिंक आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब मान लीजिए हमने ज्यादा खाना खा लिया तो हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई, एनर्जी ज्यादा आएगी तो पावर ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि पावर क्या होती है, टाइम के अकॉर्डिंग काम करने की क्षमता। हम टाइम के साथ बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर एनर्जी कम है तो मैं किसी काम को 3 घंटे में करती हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा है मैं उसी काम को 2 घंटे में करती हूँ। तो जब टाइम के साथ हमारा काम क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो हम कहते हैं हमारी पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आई के डिफेक्ट के बारे में, तो जिन बच्चों का या जिन पर्सन का, जिन व्यक्तियों का आंखों की क्या हो जाती है, रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो हम कह देते हैं उसकी आंखों का, यानी कि उसके लेंस की पावर क्या हो गई है, बढ़ गई है। या तो उसकी लेंस की पावर पॉजिटिव में इंक्रीज होना शुरू होती है या उसकी लेंस की पावर नेगेटिव में घटना शुरू हो जाती है।
तो ये पावर आखिर में होता क्या है, वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस, सबसे पहले मैं इसको डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगी। पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो टोटली एंड टोटली हमारी लेंस, सॉरी हमारी जो पावर होती है उस पर ही डिपेंड करती है। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको स्किप कर दी, मैंने समझाया नहीं, बताया नहीं, वो बता देती हूँ बेटा। हमारी जो आंखें हैं ना, अभी जो हमारी नेचुरल आईज हैं, उनमें ऑलरेडी नेचुरल लेंस लगा हुआ है। मे बी आपको पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको पता लग जाएगा। हमारी आंखों में ऑलरेडी लेंस लगा होता है, और वो लेंस होता है हमारा कॉनवेक्स लेंस। जब हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट होता है, चाहे वो हमारा दूर का डिफेक्ट हो या हमारे पास का डिफेक्ट हो, दूर का डिफेक्ट और पास के डिफेक्ट को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर हमें कंसल्ट करता है कि आप चश्मा लगाना शुरू करो। और चश्मा जो है वो बीमारी के हिसाब से लगाया जाता है। उसमें क्या होता है कि चश्मे का जो वो कांच होता है, ग्लास होता है, वो ग्लास एक्चुअल में लेंस होता है। उसमें लेंस लगा होता है, जिससे जो भी हमें डिफेक्ट है, चाहे हमें दूर का दिखाई ना दे रहा हो, चाहे हमें पास का दिखाई ना दे रहा हो, लेंस लगाने से वो क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है। तो वो जो लेंस होता है वो हमारा पावर पे डिपेंड करता है कि आंखों की पावर कितनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं डेफिनेशन करना पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यानी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर आपकी फोकल लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, तो आपकी आंखों की पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब आधे बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा कि ये पावर का, ये जो हमारी फोकल लेंथ है, इसका इंक्रीज डिक्रीज होना क्या होता है। देखिए मैं बताती हूँ, हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, मान लीजिए हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंखों का जो नियरेस्ट पॉइंट है, सबसे पास का पॉइंट है, जहां तक आप आराम से किसी भी चीज को देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया हुआ है, पहले ही कह रही हूँ, क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकल लेंथ होता है। आप अगर 25 सेंटीमीटर से पास लाके पढ़ेंगे, पहली बात तो आपको कोई अक्षर दिखाई नहीं देगा, दूसरी बात आपके सर में होने लग जाएगा दर्द। तो तभी बोला जाता है कि कभी भी बुक्स को बहुत ज्यादा नजदीक लाके नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हमारी आंखों की जो फार्देस्ट फोकल लेंथ होती है, फार्देस्ट का मतलब होता है कितनी दूर तक हमारी आंख का जो लेंस है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, वो हमारी किसी भी दूर की चीजों को देख सकता है। तो जो फार्देस्ट पॉइंट होता है हमारी आंख का, वो होता है इन्फिनिटी। कभी अपने घर की छत पे चढ़िए और दूर तक देखने की कोशिश करिए, आपको दूर तक का दिखाई देता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है, पर देती जरूर है। तो जो फार्देस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा इंफिनिटी, और जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, 25। तो अगर किसी बच्चे का नियरेस्ट पॉइंट ज्यादा हो गया, उसको 25 की जगह अब मान लीजिए 35 पे दिखाई देना शुरू हो रहा है, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई ना, पहले 25 थी अब बढ़ गई, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उसको दिखना क्या हो जाएगा, उसको दिखना हो जाएगा कम। अब वो 25 सेंटीमीटर पे पढ़ पाने पे उसको बहुत ज्यादा क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है। अब उसको 35 सेंटीमीटर या जितना भी उसको दूर करके, क्योंकि आपने ना बुजुर्ग लोगों को देखा होगा ऐसे करके बुक को पढ़ते हैं, बिल्कुल दूर ले जाके, हाँ अब दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि फोकल लेंथ जो होती है वही हमारी पावर को क्या करती है, डिफाइन करती है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा पावर का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कई बार तो आपको डायरेक्ट ही इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस। अब दूसरी बात जो यहाँ से अराइज होती है, जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो क्या होता है कि अगर आपसे यूनिट पूछी जाए, क्योंकि भाई इसकी यूनिट बहुत बार पूछी जाती है, पहले बता देती हूँ आपको, क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे यही पूछा जाता है यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर।
क्या होती है? डायोप्टर। इसको डायोप्टर बोलते हैं और इसके ऊपर आपको फॉर्मूला कैसे देखने को मिलेगा वो देखिए। आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाएगा फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 25 सेंटीमीटर, तो फाइंड आउट द पावर ऑफ अ लेंस। तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? पावर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी? P इज इक्वल टू 1/25 डायोप्टर। जिन बच्चों को एग्जाम में डायोप्टर मतलब भूल गए हों कि क्या यूनिट होती है, आप डायरेक्ट डी भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो सिंपली क्या लिखते हैं? डी ही लिखते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से भी करके आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो ये तरीका होता है, दूसरा कई बार आपको डायरेक्ट एफ ना देके आपको बोल देता है रेडियस ऑफ अ लेंस इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द पावर, फाइंड पावर। तो आप कहेंगे कि पावर तो हमें पता है 1/f होता है, लेकिन यहाँ पे f की वैल्यू तो दी ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू f की नहीं दी जाएगी, आपको रेडियस दी जाएगी, तो आपको रेडियस से क्या करना है? फाइंड करना है f। तो कैसे करोगे? जैसा कि आपको रिलेशन पता है r इज इक्वल टू क्या होता है आपका f, तो r बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f। r आपका दिया हुआ है कितना? 24। कितना हो जाएगा आपका f? f निकल के आ जाएगा आपका 12। तो आपके यहाँ पे p की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/12। इस 1/12 को भी आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और आपके पास क्या निकल के आ जाएगी? आपकी पावर। तो भाई ये हमारा क्या था? पावर, जो बिल्कुल एकदम सिंपल सा था। इसमें कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट आपको क्या करना है कि हमें याद रखना है कि पावर ऑफ अ लेंस होती क्या है। ये टोटली डिपेंड करता है हमारी फोकल लेंथ पे। अब आपको एक बताती हूँ बात जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम थिएटर में मूवी हॉल में जाते हैं तो वहां पे टिकट्स को कुछ इस तरह से मेजर किया जाता है। अगर सामने क्या है? स्क्रीन लगी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे स्क्रीन है, तो स्क्रीन के बिल्कुल सामने नीचे की तरफ जो सीट होती है उसका प्राइस कम होता है। फिर उसके बाद जो हमारी सीट आती है उससे नेक्स्ट, उसका प्राइस मीडियम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राइस होता है वो स्क्रीन से दूरी वाली जो सबसे ऊपर वाली सीट होती है उसका होता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो सारा का सारा इसलिए होता है कि जब आप बिल्कुल पास बैठे होते हैं स्क्रीन को, तो आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा क्या पड़ती है? रोशनी पड़ती है, और जो इंटेंसिटी होती है आंखों की वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इस तरह से बिल्कुल कम कम सी हो जाती है। और आपके जो यहाँ की मसल्स होती हैं आपकी फोरहेड की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है। तो मूवी देखने के बाद सर में क्या होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन अगर आप स्क्रीन के सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठे हुए हो, यानी कि जो लास्ट हमारे कॉलम होते हैं जिसको डायमंड सीट्स बोलते हैं, वहां पे आपकी जो आंखें हैं, जो आंखों की मसल्स हैं, वो एकदम फ्रीली रहती हैं, वो स्ट्रेस नहीं होती है, मसल्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मूवी देखने के बाद सर में दर्द नहीं होता है। वो केस भी हमारा कहाँ से रिलेट होता है? वो केस भी हमारा पावर से रिलेट होता है। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ के बिल्कुल पास बैठे हुए हो, तो आपकी पावर पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि मोबाइल फोन कंप्यूटर से थोड़ी सी दूरी, मतलब बिल्कुल ऐसे आंख के पास ला के ना पड़े, आपकी आंखों की जो पावर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर आएगा। तो मोबाइल फोन, बुक्स, कंप्यूटर, जितने भी डिजिटल चीजें हैं, जितने भी बुक्स वगैरह हैं, उनको थोड़ा नॉर्मल स्टेज पे पढ़ें, अच्छा होगा। ना ज्यादा दूर करके पढ़े, ना ज्यादा पास करके पढ़े। जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है हमारी आंखों का, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, उस पे ही उसको पढ़ें, ताकि आपकी आंखों की जो नेचुरल लेंस है, उसका जो नेचुरल अपनी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर ही रहे। अगर वो इंक्रीज हुई या वो डिक्रीज हुई तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आंखों की पावर पे डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से फिर हमें एक्स्ट्रा लेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें जो कहाँ पे लगा होगा? स्पेक्स में, यानी कि चश्मों में, जो काफी लोगों को आजकल लगाना पसंद नहीं है। ठीक है, तो भाई ये था हमारा पावर। इससे आने वाले जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी टॉपिक्स थे, जो भी फॉर्मूला बनता था, जिस जिस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते थे, ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा चुकी हूँ। आई होप आपके समझ में आए होंगे। तो अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो होगा हमारा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो होगा TIR।
तब तक के लिए जो भी मैंने आपको आज टॉपिक कराए हैं, क्या क्या टॉपिक किया हमने, आज हमने सीखा लेंस फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको मिरर के बारे में बताया, लेंस कैसे बना उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस के बारे में बताया। सो अब आपका काम क्या रहने वाला है, आपको अच्छे बच्चों की तरह अपने इस टॉपिक को अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको ना रिवीजन के टाइम पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप फटाक से उसका क्या कर सके, रिवीजन कर सके। तो चलिए, मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को मैं समझा पाऊँ। पूरी पूरी कोशिश रहती है मेरी कि जो टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ वो आप समझ सके, मैं बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए फिर, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सब समझने में आसानी हो। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।